नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डाल लेते हैं विदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। एक अमेरिकी सैनिक ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई को गैर कानूनी बताया है। कुवैत में तैनात 28 वर्षीय कैप्टन नॉथन माइकल ने इसको लेकर राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ मुकदमा भी किया है। स्मिथ के अनुसार आतंकी संगठन के खिलाफ कार्रवाई के लिए ओबामा प्रशासन ने कांग्रेस से इजाजत नहीं लेकर कानून तोड़ा है। स्टार वॉर्स डे के मौके पर व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक और मिशेल ओबामा का थिरकने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो खुद व्हाइट हाउस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है। नाचते नाचते बराक ओबामा जोर से अपटाउन फंक कहते सुनाई देते हैं। वहीं मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक पर एक फोटो शेयर किया है जिसमें वह इन कैरेक्टर्स के साथ मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश के चलते 6 दिन पहले डही बिल्डिंग के मलबे के नीचे से 4 लोगों को गुरुवार को जिंदा निकाल लिया गया। इन चारों में महिला की स्थिति सबसे गंभीर थी। उसे निकालने के लिए मलबे में रास्ता बनाया गया। हल्की सी चूक ने महिला की जान जा सकती थी, लेकिन आपदा प्रबंधन के लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ईमेल मामले में पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। फेडरल कोर्ट ने कहा है कि निजी सर्वर के इस्तेमाल मामले में उन्हें अदालत में पेश होना पड़ सकता है। हिलेरी डेमोक्रेट की ओर से राष्ट्रपति की दावेदार में सबसे आगे चल रही हैं। उनके लिए नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की नीयत से चीन दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में नौसैन्य अभ्यास करेगा। इसमें उनके नौसैनिक बेड़े, हेलीकॉप्टर और खास लड़ाई के लिए तैयार किए गए सैनिक हिस्सा लेंगे। युद्ध अभ्यास वाला वह इलाका है जहां से होकर दुनिया के आधे से ज्यादा व्यापारिक जहाज आते जाते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की सारी खबरें हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। मैं हूँ डेंगू फाइटर और मैंने अपने घर में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन मच्छर को हराया है। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी जंग जीती कैसे, तो आइए बताता हूँ। डेंगू मच्छर के काटने से होता है और पानी ठहरेगा जहाँ मच्छर पलेगा वहाँ। इसीलिए उठाइए डेंगू के खिलाफ 5 बड़े कदम। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश।